हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10th NIS इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोंडिबा अ हीरो। सो गाइस, जैसे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 को और चैप्टर नंबर 2 को, उनकी हमने लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था और उसके साथ हमने शॉर्ट समरी भी डिस्कस की थी इंग्लिश में उसकी। देन मैंने आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे दोनों ही चैप्टर्स के, तो उन सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अगर आपको इसके अलावा ये भी जानना है कि आपका इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आता है, घर बैठे आप किस तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो ये सभी टॉपिक्स से लेकर रिलेटेड वीडियो मैंने एक ही वीडियो में इसको कवर किया था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि घर बैठे आप किस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कोंडिबा अ हीरो की कहानी। पहले आपको छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। आई एम श्योर यू विल एग्री दैट वी ऑल फेस डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में ज़रूर फेस की होंगी। How do you deal with them? आप अपनी इस जीवन में आने वाली परेशानियों को किस तरीके से डील करते हो? Do you feel defeated and frustrated? तो क्या आपको लगता है कभी कभी कि आप हार गए उन परेशानियों के आगे, या फिर आपको झुंझलाहट चढ़ी, फ्रस्ट्रेशन चढ़ी, और यू कंसिडर वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस, या फिर हारने की या फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह आप जो है पॉसिबिलिटी ढूंढने के कैसे सोल्यूशंस हम इन चीज़ों का पाएँ, अपनी डिफ़िकल्टीज से, अपनी परेशानियों से किस तरीके से आप जो है सोल्यूशन ढूंढेंगे, वो आप कोशिश करेंगे। There are some people who, in spite of their own difficulties, are able to understand others' problems and are ready to help them. कि यहाँ पर हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और हमेशा उनकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। खुद चाहे कितने ही परेशान हो, लेकिन वो लोग दूसरों को परेशानी में नहीं दे सकते और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो सच पीपल आर रियली हीरोज़। और इस तरीके के लोगों को जो दूसरों को प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकते, अपनी परेशानियों को एक तरफ रख के, अपनी दिक्कतों को एक तरफ रख के दूसरों की हेल्प करने को आगे आ जाते हैं, उन लोगों को ही सच्ची में हमें रियल हीरोज कहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन इस लेसन का। देखिए, कोंडिबा चैप्टर का नाम है, सो कोंडिबा आखिर है कौन, वो हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं कौन है कोंडिबा। आप देख सकते हैं कोंडिबा का एक चित्र भी यहां पर दे रखा है। बिफ़ोर यू रीड थिंक, पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए, ये एक मॉरल तरीके से भी इस चीज़ को हम ले सकते हैं। तो ये पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि वॉट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। आप देख सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का मतलब होता है कोई भी विकलांग इंसान या जो किसी भी तरीके से मतलब जिसका जो शारीरिक अपंग हो, एक तरीके से हम वो कह सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, सो डू यू थिंक दैट डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन बी सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो क्या आपको लगता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, जैसे यहाँ पर एक चित्र में देख सकते हैं, सो इस इंसान की जो है, जो कोंडिबा मतलब है, इनकी जो है आंखें नहीं हैं, वो जो है डिफरेंटली एबल्ड हैं एक तरीके से, इनकी आंखें नहीं हैं। सो क्या आपको लगता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं वो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हो सकते हैं और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं? अगला है, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल। कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको लेकर सोसाइटी का क्या नज़रिया होता है, क्या दृष्टिकोण और एटीट्यूड होता है? आगे है, व्हाट आर द डिफरेंटली वेज इन विच डिफरेंटली एबल्ड पीपल कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। कि वो कौन कौन से अलग अलग वेज हो सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिसमें ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को लेकर, अपना मतलब सामाजिक उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं, एक तरीके से ऐसा आप बोल सकते हैं उसको। What can society and the government to do make their contribution even better and bigger? के सोसाइटी और गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए कि ये लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और बेहतर बना सकें और बड़ा बना सकें? ठीक है, तो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ कोंडिबा। हम चलिए पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कोंडिबा की कहानी पढ़ते हैं। उस विजुअली चैलेंज, जो कि देखने में, विजुअली का मतलब होता है जो कि देखने में अपंग है, एक तरीके से उनको दिखाई नहीं देता, अंधे कोंडिबा हैं, कोंडिबा की आंखें नहीं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डज दैट मेक्स हिम अ हीरो एंड हेल्प्स हिम टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। हम देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि कोंडिबा ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको हीरो कहा जाता है और जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, सो चैप्टर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, देख सकते हैं आप लोग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैप्टर समझ में आए तो भी आप लाइक कर सकते हैं।
कोंडिबा कायकवाड़ हेटेड बैगिंग्स। कोंडिबा कायकवाड़ जो थे उनको भीख मांगने से, बैगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, उससे उनको नफरत थी, ठीक है। बट द फैमिन इन महाराष्ट्र इन 1970-73 हैड ड्राइवन हिम फ्रॉम हिज होम इन औरंगाबाद टू मुंबई इन सर्च ऑफ ब्रेड। लेकिन देखिए कहाँ रहते थे कोंडिबा गायकवाड़, वो रहते थे महाराष्ट्र में, लेकिन जब महाराष्ट्र के अंदर सूखा पड़ा, तो सूखा कब पड़ा था, 1972 से 73 के बीच में। सो जब महाराष्ट्र के अंदर सूखा पड़ा, फेमाइन का मतलब सूखा पड़ा, तो उसकी वजह से वो जो है अपने घर औरंगाबाद से कहाँ शिफ्ट हो गए, मुंबई शिफ्ट हो गए वो, इन सर्च ऑफ ब्रेड मतलब रोजी रोटी की तलाश में। आगे है एट फर्स्ट ही हैड ट्राइड सेलिंग रूम्स। जब वो वहाँ पर आकर सेटल हुए, कहाँ पर सेटल हुए, मुंबई में, तो जब वो वहाँ पर आकर सेटल हुए तो सबसे पहले उन्होंने ब्रूम्स का मतलब होता है झाड़ू, तो उन्होंने झाड़ू बेचने का व्यापार शुरू किया। झाड़ू, आई होप आप लोग सभी जो है वाकिफ होंगे इस चीज़ से, मतलब आपके घर में जो झाड़ू आप लगाते हैं वही उन्होंने, वही ब्रूम्स बेचना का काम जो है शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड्स, लेकिन दुर्भाग्य से उनका ये काम ज़्यादा चला नहीं। लिटिल लक का मतलब कम साथ दिया किस्मत ने उनका। ही सून लर्न्ड दैट मुंबई इज जनरस टू बैगर्स जीनियस। लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि मुंबई के अंदर जो बैगर्स हैं, भिखारी हैं, उनके लिए मुंबई के लोगों का मतलब काफ़ी दयालु रहते हैं वहाँ के लोग, जीनियस। तो बैगर्स की बल्ले बल्ले रहती है भिखारियों की मुंबई में, सो स्पेशली ब्लाइंड बैगर्स। और बात करें तो जो अंधे भिखारी होते हैं उनकी तो ज़्यादा ही मतलब आमदनी हो जाती है। तो ये किसको लगा है, कोंडिबा को लगा। एंड 25 ईयर्स ओल्ड कोंडिबा वॉज ब्लाइंड। और जो ये 25 साल के थे कोंडिबा, ये जिस टाइम पर ही मुंबई आए तो ये 25 साल के थे, सो ये ब्लाइंड भी थे। ही हैड बिकम ब्लाइंड विद स्मॉल पोक्स एट द एज ऑफ 8। और वो अंधे किस वजह से हुए, जब वो 8 ईयर्स के थे, 8 साल के थे, तो स्मॉल पॉक्स होने की वजह से वो अंधे हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइज। इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घाट कोपार नॉर्थ ईस्ट मुंबई। आज जिस दिन की ये कहानी है, उस दिन क्या हुआ कि गोलीबार, ये उस झोंपड़पट्टी का नाम है जहाँ पर, मतलब उस कॉलोनी का नाम है जहाँ पर कोंडिबा रहते थे। तो ये जो कॉलोनी है गोलीबार, ये स्लम कॉलोनी है, मतलब एक तरीके से निम्न दर्जे की कॉलोनी है, ये स्लम एरिया है घाटकोपार में, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट मुंबई में। तो उस दिन क्या था, क्लाउडी डे था, मतलब बादल छाए हुए थे गोलीबार कॉलोनी के अंदर। अब कोंडिबा लिव्ड हियर विद तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ येलनबाई। कोंडिबा वहाँ पर किसके साथ रहते थे, तुकाराम और उनकी जो वाइफ थी ना येलनबाई, इन दोनों के साथ, तुकाराम और उनकी वाइफ येलनबाई, इन दोनों के साथ वहाँ पर कोंडिबा रहते थे। इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून, ये मानसून का एंड था। इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देर वॉज अ वेल। और ये जो पूरी कॉलोनी थी, इस कॉलोनी के कहाँ पर, मिडिल में, बीच में एक वेल था। वेल का मतलब आपको पता है कुआ होता है, तो एक कुआ था कॉलोनी के बीच में। इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर, और ये कुआ किससे भरा हुआ था, ब्लैकिश ग्रीन वाटर से, गंदा सा पानी भरा हुआ था उसमें। नथिंग कुड बी सीन मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सर्फेस, और अंदर कुछ देखा नहीं जा सकता था, कुछ ही सेंटीमीटर तक तो दिखाई देता था पानी के, लेकिन उससे नीचे कुछ नहीं दिखाई देता था, इतना मतलब बेकार गंदा सा पानी था उसमें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग्स हट्स। ये जो वेल था, जो कुआ था, बहुत क्या था, ये हाईली यूजफुल था कहाँ के लोगों के लिए, जो आसपास, मतलब इस गोलीबार कॉलोनी में आसपास हट्स यानी झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे, उन सभी लोगों के लिए कुआ बहुत यूजफुल था। दे हैड डग इट 2 years बिफोर बिकॉज द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो वहाँ के लोगों ने डग का मतलब होता है खोदना, डिग की थर्ड फॉर्म है डग। तो वहाँ के लोगों ने इसको 2 साल पहले खोदा था, इस कुएं को, बिकॉज जो कॉलोनी के अंदर ओनली 1 water की टैप थी, एक ही पानी की टंकी थी, वहाँ के कॉलोनी के लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से वो पानी कम पड़ता था उस एक ही टैप से, उसी एक पानी की टंकी पर सब लोग डिपेंड थे। तो वो पानी की टंकी जो है कम पड़ती थी क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ रही थी उस कॉलोनी की, इसलिए उन्होंने क्या किया, 2 साल पहले कुआं खोद लिया। जब ये कहानी है उससे 2 साल पहले उन्होंने कुआं खोदा था। सो देर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वेल वॉल अराउंड द वेल। अब देखो उन लोगों के पास, जो कॉलोनी के लोग थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे ताकि वो वॉल का मतलब होता है दीवार, और ये जो WELL वेल है इसका मतलब होता है कुआं, कि वहाँ के लोगों के पास इतना मनी नहीं था, इतने पैसे नहीं थे को कि वो उस कुएँ के चारों तरफ जो है दीवार खड़ी कर सकते, मतलब कुएँ के चारों तरफ ठीक से बाउंड्री नहीं थी। द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली वाइडन्ड एज द सोइल एंड रॉक्स ऑन द साइड्स फेल इन। जो माउथ था वेल का, मतलब कुएं का जो मुंह था ना, वो वाइडन्ड हो गया था, चौड़ा हो गया था, क्योंकि जो कुएं के चारों तरफ रॉक्स, मतलब मिट्टी थी या फिर ईंट वगैरह थी, वो सब झरझर के कुएं के अंदर ही गिर रही थी, इस वजह से कुएं का मुंह कैसा हो गया, ब्रॉड हो गया, चौड़ा हो गया। द बॉटम वॉज नैरो, जो बॉटम था कुएं का वो नैरो था,
मतलब नीचे का हिस्सा मडी एंड फिल विद वीड्स, मडी था वहाँ पर, मतलब मट्टी सी थी, कीचड़ सी थी, इन सब से भरा हुआ था कुएं का निचला हिस्सा। द वेल वॉज डेंजरस, जो वेल था, ये जो कुआ था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था एक तरीके से, क्योंकि नीचे इसमें कीचड़ मट्टी ये सब भरे हुए थे। बट इट हैड, मगर खतरनाक तो था, बट इट हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग दैट नो वन वरीड अबाउट इट। लेकिन ये जो कुआ था उस जगह पर काफ़ी टाइम से था, 2-3 साल से था, इसलिए लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं थी, उनको हैबिट थी इस कुएँ की। इट सीम्ड हार्मलेस, इसलिए ये हार्मलेस था वहाँ के लोगों के लिए। कोंडीबा हैड रिटर्न टू द स्लम टू ईट अ लिटिल फूड विच येलन बाई हैड प्रिपेयर्ड। अब कोंडीबा देखो, जो अपना भीख भाक मांग के मतलब वापस लौटा था काम से, कोंडीबा अपनी जो है स्लम एरिए में, मतलब उस कॉलोनी में वापस आया ताकि वो थोड़ा खाना खा सके। और उस खाने को प्रिपेयर किसने किया था? येलन बाई ने बनाया था खाना कोंडीबा के लिए, क्योंकि वो येलन बाई के साथ ही रहता था। हिज डेज बैगिंग यूजुअली एंडेड व्हेन ही हैड कलेक्टेड रुपीज 5-6 इन हिज स्मॉल गनी बैग। उसका दिन तब ख़त्म होता था जब वो कम से कम 5-6 रुपये भीख मांगकर इकट्ठा कर ले। यूजुअली 5-6 रुपये वो कमा, मतलब भीख मांगकर इकट्ठा कर लेता था, अपने छोटे से गनी बैग के अंदर भर के लाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए सडनली क्या हुआ, सडनली का मतलब अचानक से। देर वर शाउट्स एंड साउंड्स ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन। अचानक से कोंडीबा को बहुत सारे शोर की आवाज़ आई और बहुत सारे कन्फ्यूजन सा हो गया उसको कि क्या हो रहा है, क्या कैसा शोर मच रहा है। कोंडीबा एंड येलन बाई वर स्टार्टेड सम वन हैज फैलन इन द वेल। कोंडीबा और जो येलन बाई थी वो लोग जो है स्टार्ट सम वन फैलन इन द वेल, उनको सुनाई दिया कि कोई कुएं में गिर गया है। दे हर्ड अ वोमेन क्राई, और उन्होंने एक रोने की, किसके रोने की, एक औरत के रोने की आवाज़ भी सुनी। तो उनको लगा कि शायद कोई कुएं में गिर गया है, तो दोनों आएंगे बाहर भागे हुए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। कोंडीबा सेट असाइड हिज मील एंड सेट अर्जेंटली क्विक लेट मी देयर। तो कोंडीबा ने अपना खाना एक तरफ रखा और एकदम से क्या बोला अर्जेंटली कि जल्दी से मुझे वहाँ पर ले चलो, क्योंकि कोंडीबा अंधा था। सो विद इन अ मिनट द काइंड बैगर एंड द वोमेन रीच द वेल। और एक ही मिनट के अंदर वो जो है बैगर था, बैगर कौन मतलब भिखारी कौन है ये, कोंडीबा। तो कोंडीबा और वो जो औरत थी वो वेल के यानी कुएं के बराबर पहुँच गए, जाकर वहाँ पर पहुँच गए वो लोग। एंड पुश देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ द वेल। और वो लोग वहाँ पर जितना भी ग्रुप था लोगों का, जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसको अलग करते हुए, मतलब भीड़ को छांटते हुए उस कुएं के मुंह पर पहुँच गए, मुहाने पर पहुँच गए वो लोग। इन सेकेंड्स कोंडीबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट एंड स्लिप्ड इन टू द वाटर। कुछ ही सेकेंड की देरी लगी कि कोंडीबा ने तुरंत अपनी शर्ट निकाली और वो वाटर के अंदर यानी पानी में कूद पड़ा। टू बॉयज़ वर ऑलरेडी पैडिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अरविंद हु हैड फॉलन ऑफ अ ट्री ट्रंक वाइल ड्राइंग वाटर। तो देखिए यहाँ पर जो दो बॉयज़ थे, दो अलग से दो लड़के और थे, वो ऑलरेडी पानी के अंदर घुसे हुए थे, मतलब पानी के अंदर वो पहले से ही कुएं के अंदर वो थे मौजूद। क्या करने के लिए? क्योंकि एक यंग बॉय था जिसका नाम क्या था गाइज, अरविंद नाम का लड़का था, वो उस कुएं में गिर गया था। तो उसे ढूंढने के लिए ऑलरेडी टू बॉयज़ ऑलरेडी उसको वहाँ पर सर्च कर रहे थे। और ये लड़का अरविंद कैसे गिरा था कुएं में, जब वो पानी निकाल रहा था तो ट्री ट्रंक मतलब पेड़ से ऐसे रस्सी खींच कर वो पानी निकाल रहा था, तब उसका पैर स्लिप हो गया होगा, इसलिए वो गिर गया। द बॉयज़ कुड नॉट डाइव, और ये जो लड़के थे उसको वो ढूंढ नहीं पाए। चलिए तो वो जो दो लड़के ऑलरेडी उसको ढूंढ रहे थे, वो उनके हाथ नहीं आ रहा था अरविंद कहीं पर भी। कोंडीबा हैड बीन अ गुड स्विमर एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट। और कोंडीबा अगर हम बात करें, बहुत अच्छा स्विमर था, उसको स्विमिंग आती थी जब उसकी आंखें थी, जब उसने अपना मतलब आई साइट लॉस्ट नहीं किया था तब तक वो बहुत अच्छा स्विमर था। बट ईयर्स ऑफ हिज पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक। लेकिन कई सालों से मतलब इतनी गरीबी हालत में वो रह रहा है और अब तो अंधा भी है, तो इस वजह से वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है। Once he had been able to dive deep into the wells around his village to pick up shining bits of broken pottery that he and his friends would throw in as part of a game. जब कभी वो छोटा बच्चा था तो वो जो है पानी वेल के अंदर जितने कुएं होते थे उनके अंदर अच्छे से डाइव कर लिया करता था, मतलब डुबकी लगा लेता था, अच्छे से गोते होते लगा लेता था वो जब छोटा था। कुएं के चारों तरफ भी, कुएं के अंदर भी, जो विलेज होता था जिस गांव में वो रहता था, तो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो छोटी छोटी शाइनिंग बिट्स होती थी पोट्री की, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो कुएं के पानी से उनको निकालने के लिए जो है वो कभी भी डाइव कर लेता था, पानी के अंदर कूद जाता था। और ये उनके एक गेम होता था उन सभी बच्चों के लिए ये। लेकिन अब बात अलग है, अब कोंडीबा बड़ा हो गया है, मतलब कोंडीबा अंधा भी है, तो अब काफ़ी टाइम पुरानी बात है, उसको इतना अच्छे से तैरना नहीं आता। बट इट हैड बीन मैनी ईयर्स सिंस ही हैड ट्राइड टू होल्ड हिज ब्रेथ लॉन्ग इनफ टू गेट टू द बॉटम ऑफ अ वेल।
लेकिन अब ये बहुत सालों पुरानी बात हो गई है और अब कोंडिबा इतने अच्छे तरीके से ब्रेथ नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता पानी के अंदर जितना वो पहले ले पाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सो गाइज, आगे देखिए, कहानी समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और कॉमेंट सेक्शन में राय शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कर लेना। सो कोंडिबा फ्लोटेड ऑन द सर्फेस फॉर अ मोमेंट, देन ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड डाइव्ड। तो कोंडिबा जो है सरफेस की ओर बढ़ा वो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो सरफेस पर जाकर उतरा पानी के अंदर, कुएं के अंदर। देन ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड डाइव्ड, और उसने सही से मतलब लंबा सा सांस लिया और गोता मारे रखा। केयरफुली फीलिंग हिज वे अलॉन्ग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ वेल ही रीच द बॉटम, हिज फीट सैंक इन टू द सॉफ्ट मड। केयरफुली मतलब बड़े ध्यान से वो जो है जो रॉक्स थी अंदर पानी के उसके, और जो है वेल के साइड में जो जो भी कुछ था उसको हटाते हुए वो बॉटम पर पहुंच गया कुएं की, और उसके जो फीट थे यानी पैर थे ना, वो सैंक का मतलब धंस गए कहाँ पर, सॉफ्ट मड में, मतलब जो नरम सी वहाँ पर मिट्टी थी, घास थी, उनमें जाकर उसके पैर धंस गए। ही फेल्ट नथिंग बट द मड एंड द स्लिपरी वीड्स, उसको जो है वहाँ पर केवल मिट्टी और कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं हाथ लगा। टायर्ड एंड विद हीज ब्रेथ रनिंग आउट ही केम टू द सरफेस। अब देखो, जब वो पानी के अंदर घुसा वहाँ पर केवल कीचड़ मिट्टी यही सब हाथ आ रहे थे और उसको ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था, सो वो टायर्ड हो गया और उसको जो है ब्रेथ मतलब सही से सांस भी नहीं ली जा रही थी, रनिंग आउट हो गई थी सांस भी उसकी, इसलिए वो फिर से सरफेस पर वापस आ गया। चलिए, इट वॉज नाउ 2 मिनट्स। अब कितना टाइम हो गया था, अब लगभग 2 मिनट बीत गए थे कि अरविंद जो है जब कुएं के अंदर गिरा था उसको गिरे हुए 2 मिनट के आसपास हो गए थे। हिज आंट विद होम ही लिव्ड वॉज एट वेल, जो उसकी आंटी थी मतलब अरविंद की जिनके साथ वो रहता था, वो भी कुएं के वहीं पे खड़ी हुई थी। एस कोंडिबा सरफेस्ड विदाउट द बॉय ही हर्ड हर वेलिंग, और कोंडिबा को जो है एस कोंडिबा सरफेस्ड विदाउट द बॉय ही हर्ड हर वेलिंग। तो इस तरीके से क्या होता, जब वो कोंडिबा को बिना अरविंद के बिना बॉय के बाहर आते हुए देखती है कि हाँ कोंडिबा तो ऐसे ही आ गया है, वो फिर से वेलिंग करना, विलाप करना, रोना धोना शुरू कर देती है। द ब्लाइंड मैन टुक अनदर डीप ब्रेथ एंड वैनिश्ड इन टू द मडी डेप्थ, और जैसे ही ये ब्लाइंड मैन बेचारा मतलब कोंडिबा देखता है ना कि वो औरत रो रही है, वो फिर से गहरी सी सांस लेता है और फिर से वैनिश्ड का मतलब गायब हो जाता है उसी मडी डेप्थ में, मतलब फिर से वो कुएं के अंदर एक बार छलांग लगा लेता है, छलांग का मतलब फिर से गोता लगा लेता है। His first dive had given him a good idea of the shape of the well. अब जो पहली बार उसने गोता लगाया था ना, उससे कोंडिबा को अच्छे से उस कुएं की पूरी शेप का, कुएं का अंदाज़ा हो गया था, ठीक है। सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन एंड ट्राई टू सर्च द बॉटम विद हिज हैंड्स, इसलिए वो इस बार वो स्ट्रेट सीधा ही नीचे गया और उसने बॉटम को मतलब टच करने की, मतलब एकदम बॉटम में जाकर उसको टच करने की हाथों से कोशिश की। दे स्लिप्ड इन द मड एंड गॉट कफ इन द वीड्स, देर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद वो स्लिप हो गया मड के अंदर और उसको सिवाय वीड्स के, कीचड़ वगैरह के कुछ हाथ नहीं लगा, एंड देर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ द बॉडी। और इस तरीके से अभी तक भी अरविंद की बॉडी के कहीं कोई नामो निशान नहीं था, कोई हाथ नहीं आ रही थी उसको, अरविंद की बॉडी कहीं नहीं मिल रहा था वो लड़का कोंडिबा को, ठीक है। हिज लंग्स वर नियरली बर्स्टिंग, उसके लंग्स का मतलब जो फेफड़े थे ना कोंडिबा के, वो बिल्कुल ऐसा एकदम बर्स्ट का मतलब होता है जैसे जलने को या फटने को तैयार, बिल्कुल फटने को तैयार थे उसके फेफड़े क्योंकि पानी भर रहा था उनमें। ही रोज टू द टॉप वंस अगेन, लेकिन फिर से वो एक बार जो है टॉप पर आया। ही हैड बीन डाउन लॉन्गर दैन द फर्स्ट टाइम, टॉप पर मतलब फिर से कुएं की ऊपरी सतह पर वो आ गया, लेकिन इस बार जो है कोंडिबा पिछली फर्स्ट टाइम से ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम उसने कुएं के अंदर बिताया था। सो द वोमेन एंड द चिल्ड्रन वर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, इसलिए जो कुएं के आसपास वोमेन खड़ी थी वहाँ पर जो बच्चे खड़े थे वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि देखते हैं कोंडिबा को इस बार अरविंद मिलता है या नहीं। वैन हीज हैड अपीयर्ड अबव द वाटर द क्राउड गेव अ साइन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और जैसे ही कोंडिबा का सर जो है कुएं के पानी से बाहर आया, जैसे ही वो ऊपर आने वाला था, तो जो क्राउड थी, भीड़ थी, वो फिर से कोंडिबा को अकेला देख के, मतलब अरविंद उसके पास नहीं था तो कोंडिबा को अकेला देख के वो फिर से डिसअपॉइंटेड हो गई। कौन डिसअपॉइंटेड हो गई, जो वहाँ की भीड़ थी, जो वहाँ की जनता थी, जो वेट कर रही थी कि कोंडिबा शायद अरविंद को ढूंढ करके लाएगा। नेवर इन ऑल द ईयर्स ऑफ हिज ब्लाइंडनेस हैड कोंडिबा मिस्ड हिज विजन सो मच, इतने सालों की ब्लाइंडनेस में मतलब इतने सालों से कोंडिबा अंधा था, लेकिन अभी तक उसने अपनी आंखों को, अपने विज़न को, कि काश मेरी जो आंखें थी वो ठीक होती, कभी इतना मिस किया होगा, कभी उसको अपना अंधापन इतना खला हो इससे पहले। इफ़ ओनली ही कुड सी
ही माइट बी एबल टू फाइंड द ड्रॉइंग बॉय, कि अगर वो काश देख पाता तो भी उस डूबे हुए लड़के को वो मुश्किल है कि वो देख पाए। बेशक उसकी आंखें भी ठीक होती लेकिन इतने गंदे से पानी के अंदर, इतना कीचड़ विचड़ के अंदर वो शायद तभी भी नहीं ढूंढ पाता लड़के को। तो ही डिड नॉट नो दैट इवन नॉर्मल आइज वुड नेवर हैव बीन एबल टू सी इन मडी वाटर। उसको नहीं पता था कि अगर किसी इंसान की नॉर्मल आइज भी होती, नॉर्मल आंखें भी होती, तो भी इतने मडी वाटर के अंदर वो सर्च नहीं कर पाता किसी को भी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइज। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और पिछले चैप्टर्स के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। कोंडिबा वॉज वेरी टायर्ड बट ही न्यू ही वॉज अरविंद ओनली होप। कोंडिबा थका हुआ तो था लेकिन उसको पता था कि अरविंद को बचाने का वो अकेला सहारा है, अकेली होप है। ही वर्कड एज फास्ट एज ही कुड फीलिंग हिज वे थ्रू द मड एंड द वीड्स। अब उसने तेज़ी से काम करना शुरू करा, तेज़ी से अरविंद को खोजना शुरू किया, ठीक है, और फीलिंग इज़ वे, और उसको पता था मुझे रास्ता थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, उस पानी उस कीचड़ को, उस मड को वो पार करके जा रहा था और थोड़ा सा अंदर। अरविंद मस्ट बी हेयर, और उसको उम्मीद थी कि अरविंद वहाँ पर उसको मिल जाएगा। ही थॉट, उसको ऐसा लगा, ही कैन नॉट हैव वैनिश्ड। कोंडिबा सोच रहा था कि ही कैन नॉट हैव वैनिश्ड, वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है, मतलब अरविंद ऐसे कैसे गायब हो सकता है कि मुझे मिल ही नहीं रहा। कोंडिबास रिब्स वर एकिंग, ही कुडंट होल्ड हिज ब्रेथ मच लॉन्गर। कोंडिबा की जो रिब्स थी ना, मतलब पसलियाँ थी, वो क्या हो रही थी, वो ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसा एक कर रही थी, दर्द मचा रही थी उसकी जो पसलियाँ थी, और वो अपनी जो है सांस को और ज़्यादा रोक नहीं पा रहा था। देन जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ट्विस्ट हिज बॉडी अपराइट एंड किक हिमसेल्फ टू द सर्फेस, हिज फिंगर्स फेल्ट समथिंग सॉफ्ट अमंग द वीड्स। अब जब उसको बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसको उसकी पसलियां बिल्कुल दर्द कर रही थी, सो कोंडिबा ने सोचा कि गिव अप कर देता हूँ, और जैसे ही जस्ट एज वॉज अबाउट टू ट्विस्ट हिज बॉडी, उसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके ऊपर आने की कोशिश की, अपराइट का मतलब ऊपर जैसे कि उड़के आया, वो उसने किक मारी, मतलब नीचे से किक करके उसने ऊपर आने की कोशिश की सरफेस पर, तो सडनली उसकी जो फिंगर्स थी ना, कुछ सॉफ्ट सा टच किया उसकी उंगलियों से, कुछ सॉफ्ट सी चीज़ टच हुई। अब देखिए सॉफ्ट सी चीज़ क्या थी, वो क्लोथ, कपड़ा था वो कुछ। ही मूव्ड हिज हैंड फर्दर एंड टच्ड अरविंद्स लेग्स, उसने अपने हाथों को और ज़्यादा टटोला, सही से देखा उंगलियों से, और उसके हाथ में अरविंद की पैर आ गया, टांग आ गई। द बॉयज बॉडी वॉज हैड इन द मड एंड वीड्स। अब इस लड़के की जो अरविंद की जो बॉडी थी वो मड्स और वीड्स से, कीचड़ में बिल्कुल धंसी हुई थी। सो गाइज कुछ इस तरीके से कोंडिबा को अरविंद की बॉडी मिल गई है एक तरीके से। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी दिखा देती हूँ आपको कितना चैप्टर बच रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक आपका ये चैप्टर है अभी। चलिए पढ़ते हैं इसको भी, बचा हुआ लेसन। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यहाँ तक हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। सो कोंडिबाज हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली, ही बैडली नीडेड टू ब्रेथ। कोंडिबा का दिल जो था ना वो बहुत पेनफुली धड़क रहा था और उसको सांस लेने की ज़रूरत थी, उसको काफ़ी टाइम हो गया था पानी के अंदर। ही फेल्ट डेस्परेटली फॉर समथिंग टू होल्ड इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप एंड आउट ऑफ द नेट ही वॉज इन। वो डेस्परेटली बहुत ही उत्सुकता से ये चाहता था कि काश उसके हाथ में कुछ आ जाए जिसको पकड़ के वो अरविंद को लेकर के ऊपर की तरफ आ जाए, कोई उसको खींच ले और वो इस जाल से, इस कुएं रूपी जाल से वो बाहर आ सके। सडनली ही फेल्ट अरविंद बेल्ट, अचानक से उसके हाथ में ना अरविंद की बेल्ट आ गई, होल्डिंग इट टाइटली विद हिज राइट हैंड, और जल्दी से उसने उसको राइट हैंड से टाइटली पकड़ लिया। ही पुल्ड द लेड फ्री, टर्न अबाउट एंड पुश्ड अप। उसने टाइटली उसको पकड़ा जल्दी से राइट हैंड से, और जो है दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ उसने खुद को पुश किया और इस तरीके से वो ऊपर आने लगा। हिज स्पाइन एंड मसल्स एक्ट, उसकी जो स्पाइन थी और जो उसकी मसल्स थी उनमें दर्द होने लगा बहुत बुरी तरीके से। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मूवमेंट्स, और इस वजह से उसके जितने भी मूवमेंट्स थे वो सब स्टॉप होते जा रहे थे, क्योंकि एक तो सांस नहीं आ रहा था, पसलियाँ दर्द करती, ऊपर से अरविंद को भी लेकर के जाना था पकड़ के खींच के उसको। His weak, starved body fought against what his mind told him he must do. उसका जो कमज़ोर और भूखा एक तरीके से कह लो बॉडी थी, वो लड़ रही थी किसके अगेंस्ट, जो उसका माइंड कह रहा था। उसका माइंड कह रहा था कि तुम्हें अरविंद को बचाना है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। मन तो था कि बचा लूँ और मैं कर लूँगा हर तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो कोंडिबा ऐसे हीरो नहीं बना है, कोंडिबा ने मेहनत की हीरो बनने के लिए। कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑन द बॉयज बेल्ट, कोंडिबा स्ट्रगल टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड्स विद हिज फ्री हैंड एंड फीट। अब उस लड़के की बॉडी को अच्छे से टाइटली पकड़ के, बेल्ट को मतलब,
कोंडिबा ने स्ट्रगल किया, खुद को पुश किया और वो ऊपर की तरफ आया इस तरीके से अपने हाथों और पैरों के का इस्तेमाल करके। इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही रोज द 6 meters फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रॉक सरफेस। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते। और ऐसा लग रहा था कि उसको ये 6 meter की दूरी, मतलब ये 6 meter की दूरी तय करने में, बॉटम से लेकर सरफेस तक आने में, नीचे से ऊपर तक आने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था, उसको ऐसा फील हो रहा था। वाइल ही गैस्प फॉर ब्रेथ अदर हैंड्स क्विकली लिफ्टेड अरविंद अप एंड आउट ऑफ द वेल। जैसे ही उसने सांस लेने की कोशिश की, दूसरे हाथों से क्विकली अरविंद को लिफ्ट अप कर दिया और वो कुएं से बाहर आ गया। मतलब कोंडिबा ने पूरी जी जान लगा दी कि वो बाहर आ ही गया। ही हार्ड बट पेड लिटिल अटेंशन टू द साउंड्स ऑफ द पीपल टू गिव अरविंद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। लेकिन कोंडिबा बाहर तो आ गया, इतना ज़्यादा थका हुआ था, इतना ज़्यादा मतलब उसकी बॉडी दर्द कर रही थी कि उसको सुनाई आ रहा था बाहर के लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ सुन पा रहा था। लेकिन बट उसने जो है ज़्यादा अटेंशन पे नहीं की, जो लोगों का साउंड था वहाँ पर, जो जनता शोर मचा रही थी, और आवाज़ें ये भी आ रही थी कि अरविंद को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जा रहा था। रेस्पिरेशन का मतलब उसको आर्टिफिशियल सांस दी जा रही थी। फाइनली द बॉय बिगन टू वॉमिट वाटर। और इस तरीके से अरविंद ने, बॉय कौन है यहाँ पर, अरविंद ने मुंह से वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी, पानी की, पानी भर गया होगा ना उसके अंदर पेट में जाके। एंड क्राइस्ट टू जॉय केम टू कोंडिबा स्टिल होल्डिंग टाइटली टू द साइड ऑफ द वेल। और इस तरीके से खुशियों की मतलब चीखें वहाँ पर लगने लगी, खुशी पुकार होने लगी वहाँ पर। और कोंडिबा ने अभी भी, कोंडिबा होशो हवास में पूरी तरीके से था नहीं, लेकिन अभी भी उसने अरविंद की जो बेल्ट थी या फिर अरविंद को जो है होल्ड कर रखा था टाइटली, और कुएं की साइड को भी उसने पकड़ के रखा था। ठीक है, आगे है। देन अरविंद वॉज हरीड अवे टू द हॉस्पिटल। उसके बाद क्या करा लोगों ने, अरविंद को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया। अ मैन हेल्प्ड कोंडिबा आउट ऑफ द वेल एंड अ वोमैन पैटेड हिम अफेक्शनेटली ऑन द शोल्डर। देखो, एक आदमी ने जो है कोंडिबा की हेल्प करी उस इस तरीके से वेल से बाहर आने में, और एक वोमेन आई उसके पास, उसने अफेक्शनेटली ऑन द शोल्डर मतलब पैटेड किया, पीठ थपथपाना। पैटेड का मतलब पीक थपथपाई, अफेक्शनेटली का मतलब प्यार से कोंडिबा के कंधों पर कि भाई शाबाश, तूने तो मतलब कमाल कर दिया। येलन बाई लेड हिम बैक टू द हट। येलन बाई फिर से उठाकर कोंडिबा को मतलब हट में ले गई, झोंपड़ी में ले गई। देर कोंडिबा पुट ऑन हिज क्लोथ, वहाँ पर जाकर कोंडिबा ने कपड़े पहने और फिनिश्ड हिज हाफ ईटन मील एंड फेल अस्लीप। और अपना आधा अधूरा जो खाना उसने छोड़ा था उसको कंप्लीट किया और इस तरीके से फिर वो सो गया। सो गाइस, कुछ इस तरीके से कोंडिबा ने जान तो बचा ली है अरविंद की, लेकिन अभी भी हीरो के रूप में उसका फेमस होना बाकी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हीरो बनता है। दैट इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम टू द टेल द ब्लाइंड बेगर दैट द बॉय हैड ही हैड सेव्ड वुड बी ऑल राइट। उस शाम को एक पुलिस ऑफिसर आया उस अंधे भिखारी के पास, अंधे भिखारी कौन है, कोंडिबा है, और उसने उसको बताया कि जिस लड़के को उसने बचाया है, जिसकी जान उसने बचाई है ना, वो अब ठीक है। सो कोंडिबा लेटर लर्नड दैट इफ द बॉय हैड बीन इन द वेल लॉन्गर हिज ब्रेन वुड सर्टेनली हैव बीन डैमेज फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन। आगे जाके कोंडिबा को ये भी पता चला कि उस लड़का, वो जो लड़का था, अगर थोड़ी देर और जो है रहता वो कुएं के अंदर, पानी के अंदर, तो जो उसका ब्रेन था वो डैमेज हो सकता था, क्योंकि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई जानी बंद हो जाती है। अगर ज़्यादा देर अरविंद पानी के अंदर रहता तो उसका ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो डैमेज हो जाता। एंड कोंडिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम। और कोंडिबा ने इस तरीके से उसको बिल्कुल समय रहते बचा लिया। द नेक्स्ट आफ्टरनून अरविंद रिटर्न टू गोलीबार। अगली दोपहर को अरविंद जो है गोलीबार वापस आ गया उस झोंपड़पट्टी में, उस पूरे बस्ती के अंदर। ही वेंट एट वंस टू कोंडिबा एंड वाइल हिज आंट वॉश्ड हिज विद टीयर्स इन हर आइज ही टस्ट कोंडिबास फीट इन ग्रैटिट्यूड। अब देखिए जो है वो अगला दिन जैसे कि वापस आया, नेक्स्ट आफ्टरनून को गोलीबार में कौन वापस आया, अरविंद, तो वो कोंडिबा से मिलने गया। और उसी दौरान जो है उसकी जो आंटी थी वो भी उसके साथ गई, और उसकी आंटी की आंखों में आंसू थे खुशी के। तो अरविंद ने जो है कोंडिबा के पैर भी छुए, एक तरीके से सम्मान दिया कि थैंक यू आपने मेरी जान बचाई, सम्मान प्रकट किया, है ना। चलिए लास्ट पैराग्राफ बचा है, आई होप आप चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे और कहानी आपको समझ में आ रही होगी। सच्ची कहानी है, कोई झूठी मूठी नहीं है कि ऐसे ही क्रिएट करके सुना रहे हैं आपको, ये सच्ची स्टोरी है कोंडिबा गायकवाड़ की। सो इंडीड कोंडिबा हैड सेव्ड अ लाइफ। इस तरीके से ने कोंडिबा ने एक जान बचाई है। बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन एंड फॉर हिम दैट मीन्ट बैगिंग। लेकिन ज़िंदगी तो ऐसे ही चलनी है जैसे उसके अब तक चलती आई थी, और ज़िंदगी का मतलब था उसके लिए बैगिंग करना, भीख मांगना, भिखारी है वो अभी तक। बाय आफ्टरनून कोंडिबा वॉज अ बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विद हिज गनी सिक।
तो अगली दोपहर तक भी जो है कोंडिबा मुंबई की सड़कों पर गलियों में भीख ही मांग रहा था अपने गनी सैक के साथ। हाउएवर वर्ड सून बेगन टू स्प्रीड अबाउट द बैगर्स करेज। लेकिन धीरे धीरे जो ये बैगर था उसकी हिम्मत, करेज का मतलब उसकी साहस के जो किस्से थे उसके बारे में, मतलब वर्ड्स थे जो शब्द लोगों ने कहने शुरू कर दिए, तो फैलती चली गई उसकी चर्चा कि हाँ ऐसे ऐसे एक भिखारी है, भिखारी ने जो है एक हीरो का काम किया है। सो हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू वर पब्लिश्ड मैनी नेशनल एंड लोकल पेपर्स। तो कोंडिबा की पिक्चर्स जो थी, मतलब उसके फ़ोटो और उसकी कहानी के उस तरीके से उसने कितना हिम्मत डेयरिंग का काम किया, रेस्क्यू किया, एक लड़के को बचाया, तो वो अलग अलग नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर में छपने लगे कोंडिबा की कहानी के किस्से। सडनली कोंडिबा बिकम अ हीरो और इस तरीके से यहाँ पर कोंडिबा एक हीरो बन गया। कोंडिबा अ हीरो आपके चैप्टर का नाम है। ही वॉज प्रेस्ड बाय द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र एंड अदर ऑफिशियल्स। तो इस तरीके से उसको गवर्नर ने और जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने और अदर ऑफिशियल्स ने उसको बहुत प्रेस किया, मतलब तारीफ की कोंडिबा की। रिवार्ड टोटलिंग ₹12,970 12,970 का उसको रिवॉर्ड दिया गया। उस टाइम पर काफ़ी था, आई थिंक ये उसको प्रेजेंट किया गया। फॉर अ फ्यू मंथ्स ही वॉज गिवन अ होम इन अ होम फॉर द ब्लाइंड। कुछ महीने तक उसको एक घर भी दिया गया और वो घर था होम फॉर ब्लाइंड, ठीक है, अंधों के लिए घर। हेयर ही लर्न सम स्किल्स सच एज बोटलिंग एंड द वीविंग ऑफ चेयर सीड्स। और वहाँ पर उस घर में रखकर उसको सिखाया गया, उसको कुछ जो है स्किल्स सिखाई गई कि किस तरीके से बोटलिंग की जाती है और जो कुर्सियाँ होती हैं उनकी बुनाई उनाई उसको सिखाई गई। सो इस तरीके से उसको इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट बनाया गया, इंडिपेंडेंट। टुडे कोंडिबा लिव्स इन जालना। तो आज जो है कोंडिबा जालना में रहते हैं, अ मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज। और जालना क्या है, एक मार्केट टाउन है जो कि उनके गांव के बहुत नज़दीक है। ही हैज़ मैरिड अ लोकल गर्ल एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस। उन्होंने शादी कर ली है एक लोकल गर्ल से, वहीं की रहने वाली कोई लड़की से, और वो अब छोटा सा बिजनेस चलाते हैं अपना, बेशक वो अंधे हैं। कोंडिबा गायकवाड़ ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन टू फाइंड द बॉय इन द वेल हैड कम्प्लीटली चेंज्ड हिज ओन लाइफ। तो कोंडिबा गायकवाड़ की जो ब्रेवरी थी, बहादुरी थी, और उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, मतलब दृढ़ निश्चय था कि वो उस लड़के को उस कुएं के अंदर ढूंढ लेंगे, तो ये जो उनका दृढ़ निश्चय था, उनकी बहादुरी थी, कम्प्लीटली इन सारी चीज़ों ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था। सो द बैगर हु हेटेड बैगिंग नीड नेवर बैग अगेन। यानी वो भिखारी जिसको भीख मांगने से नफरत थी, उसको कभी ज़िंदगी में जो है दोबारा से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गाइस चैप्टर आपका फिनिश होता है यहाँ पर। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इससे पिछली वीडियो के लिए आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिए, सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोंडिबा हीरो के नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट एक ही वीडियो में आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं चाहती तो दो पार्ट भी बनाती इसके, लेकिन फिर वही है, एक में ही अपने निपटा लिया हमने। चलिए वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग TMA के सॉल्यूशंस के लिए परेशान हो, आप अगर 10th में हो तो जाहिर सी बात है आपको TMA के सॉल्यूशन भी तैयार करने पड़ेंगे। सो TMA के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है गाइस पाई स्टडी सर्कल। सो पाई स्टडी सर्कल का चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के TMA के सॉल्यूशन मिलेंगे, बेहतरीन और प्रॉपर तरीके से लिखे हुए। इसके अलावा 10th NIS के हिंदी के चैप्टर्स, पेंटिंग, डाटा एंट्री, होम साइंस, सारे सिलेबस आपके चल रहे हैं। एक एक चैप्टर करके हम लोग कवर करा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर चेक करिएगा पाई स्टडी सर्कल चैनल को, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पिछले चैप्टर के लिए करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक। सो टिल देन कीप स्टडीइंग। सो टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।